मध्य प्रदेश के खरगोन में श्रीराम शोभा यात्रा पर रविवार शाम को तालाब चौक के पास पथराव किया गया। उपद्रवियों ने 30 से ज्यादा दुकानों और मकानों में आग लगा दी। रात करीब 9 बजे मामला कुछ शांत हुआ, लेकिन देर रात 12 बजे फिर हिंसा भड़क गई। आनंद नगर, संजय नगर, मोतीपुरा में घर फूंक दिए गए। कुछ घरों में लूटपाट भी की गई, जिसमें SP समेत कई पुलिसकर्मी घायल हुए। पूरे मामले में पुलिस ने 77 उपद्रवियों। रामनवमी पर खरगोन में भड़की हिंसा। उपद्रवियों ने 30 से ज्यादा जगह लगाई आग। घटना के बाद पूरे इलाके में कर्फ्यू। उपद्रवियों को CM शिवराज ने दी सख्त चेतावनी। दंगाइयों पर होगी कठोर कार्रवाई। निमाड़ एक बार फिर दंगे की आग में झुलस गया। श्रीराम नवमी पर निकाली गई शोभा यात्रा पर असामाजिक तत्वों ने पथराव किया, जिसके बाद से पूरे इलाके में हिंसा का माहौल बन गया। पथराव के बाद रात भर शहर में कई स्थानों पर आगजनी की घटनाएं हुई। रात करीब 9 बजे मामला कुछ शांत हुआ, लेकिन देर रात 12 बजे फिर हिंसा भड़क गई। आनंद नगर, संजय नगर, मोतीपुरा में घर फूंक दिए गए। कुछ घरों में लूटपाट भी की गई। इसमें 70 से अधिक परिवारों को घर छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ा। इस घटना में 10 पुलिसकर्मी और 20 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। SP सिद्धार्थ चौधरी के बाएं पैर में गोली लगी है। वहीं पुलिस ने सोमवार सुबह तक 77 उपद्रवियों को हिरासत में लिया है। पूरे मामले को लेकर CM शिवराज सिंह चौहान ने
दंगाइयों को सख्त अंदाज में चेतावनी देते हुए कहा कि मध्य प्रदेश की धरती पर दंगाइयों का कोई स्थान नहीं है। घटना में शामिल दंगाइयों को चिन्हित कर लिया गया है। दंगाइयों से पूरे नुकसान की भरपाई की जाएगी और हिंसा फैलाने वाले असामाजिक तत्वों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। रामनवमी अभूतपूर्व उत्साह के साथ मनाई गई, लेकिन खरगोन में दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। दंगाई छोड़े नहीं जाएंगे, कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश की धरती पर दंगाइयों को कोई स्थान नहीं है, चिन्हित कर लिए गए और केवल कार्रवाई का मतलब जेल भेजना नहीं है। जिनने पत्थर चलाए हैं, संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया है, उनको दंडित तो किया ही जाएगा, लेकिन चाहे सार्वजनिक संपत्ति हो चाहे निजी संपत्ति हो, जितना नुकसान हुआ उसकी वसूली भी उनसे की जाएगी। मध्य प्रदेश पे हमने लोक एवं निजी संपत्ति को नुकसान का निवारण और नुकसानी की वसूली अधिनियम पारित किया है। क्लेम ट्रिब्यूनल का हम गठन कर रहे हैं, तो नुकसान का आकलन करके वो वसूली भी की जाएगी, कठोरतम दंड दिया जाएगा जो उदाहरण बन जाए, हम किसी दंगाई को छोड़ेंगे नहीं। वही मामले में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि दंगा फैलाने वाले असामाजिक तत्वों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा। पुलिस लगातार दंगाइयों को गिरफ्तार कर रही है। 77 लोग गिरफ्तार अभी तक हुए हैं, 77 77। एसपी साहब के पैर में छर्रे लगे हैं, हम गोली भी कह सकते हैं उसे, वो घायल हुए हैं। हमारे पुलिस के 6 जवान और घायल हुए हैं वहां पर, और अभी वो नॉर्मल है। सिर्फ एक व्यक्ति है शिवम शुक्ला नाम के, जो पुलिस के नहीं है, वो थोड़ा सिर में चोट ज्यादा है, बाकी कोई भी गंभीर अभी नहीं है। नहीं, सेंधवा में इस तरह की बात थी, पर वहाँ सेंधवा में ये घायल होने की और इस तरह की ज्यादा नहीं है, और न ही वहाँ पर कर्फ्यू है, स्थिति वहाँ भी सामान्य है। घटना की जानकारी लगते ही मौके पर आईजी राकेश कुमार गुप्ता पहुंचे और पुलिस प्रशासन को असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए, तो वहीं लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। देखिए, अभी स्थिति एकदम नियंत्रण में है, पूरी शांतिपूर्ण है। पुलिस फोर्स अपना सभी सेंसिटिव पॉइंट्स पर लगी है। शहर में कर्फ्यू की घोषणा हुई है, तो हम लोग कर्फ्यू को इम्पोज करा रहे हैं और लगातार हमारा बल जो है वो अपने क्षेत्र में भ्रमण कर रहा है। आतंक बल बुलाया गया है, काफ़ी बल हमारे पास अभी इंदौर से आया है। RAF की कंपनियाँ जस्ट अभी आने वाली हैं, तो एक अच्छा फोर्स हमारे पास है और हम किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। सर, अपील करना चाहते हैं जनता से? मैं ये अपील करना चाहूँगा कि शांति रखें और हम लोग जो भी उपद्रवी तत्व हैं उन सबके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई कर रहे हैं। DIG तिलक सिंह ने SP के पैर में गोली लगने की पुष्टि की, साथ ही बताया कि वो खतरे से बाहर है। रात भर चली कार्रवाई में पुलिस ने कुल 77 लोगों को गिरफ्तार किया है। DIG ने बताया कि 25 स्थानों पर आगजनी की घटना हुई है, वहीं कुल 27 लोग घायल हुए हैं। कुल मिलाकर शहर में हुई घटना से आम जनता के मन में काफी दहशत का माहौल है। खरगोन में हालात पर नियंत्रण के लिए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की टुकड़ियां तैनात की गई है। फिलहाल स्थिति काबू में है, शहर में धारा 144 लगा दी गई है। कल रामनवमी का जो जुलूस था उस दौरान पत्थरबाजी की घटना शुरू हुई थी। पत्थरबाजी की घटना के बाद में शहर के कुछ मोहल्लों में गाड़ियां जलाई गई हैं, कुछ घरों में अभी आग लगी गई थी। उसी घटना को देखते हुए कि और आगे जनधन की हानि कुछ ना होने पाए, कर्फ्यू लगाया गया है कस्बे में और पुलिस भी बाहर से आया हुआ है। जगह जगह फिक्स पिकेट लगे हैं, मोबाइल पार्टियां लगी हुई हैं और फिलहाल तो स्थिति रात्रि में के 2-3 बजे के बाद से ठीक है, कहीं से कोई शिकायत नहीं आ रही है।
लगातार पुलिस की पेट्रोलिंग चल रही है। सर, दोस्तों कुछ गिरफ्तारी हुई? हाँ, हम लोगों के पास में करीब 60-70 लोग हैं। हम लोगों ने अपने रात में सर्चिंग करी है और पकड़ के लाए हुए हैं, उनके विरुद्ध लिखा पढ़ी चल रही है। सर, एसपी साहब को भी कोई गोली लगने की सूचना आ रही है? एसपी साहब के पैर में चोट लगी हुई है और ऐसा लग रहा है, जो मैंने तो देखी नहीं है रिपोर्ट, ऐसा लग रहा है कि उनके पैर में गोली लगी हुई है। अभी उनकी हालत ठीक है? हाँ, ठीक है, अपना प्राइमरी ट्रीटमेंट करा लिया उन्होंने, ठीक है। सर, जनता कितने लोग घायल हैं कुछ आंकड़ा? अभी मेरी जानकारी में जो टोटल MLC हुई है उसमें 24 लोग हैं, 18 पब्लिक के लोग हैं और 6 पुलिस वाले हैं। ठीक है सर, जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से यही अपील है कि जब पुलिस अपना काम कर रही है तो उसकी मदद करें। अनावश्यक घरों के बाहर बैठ जाते हैं, ग्रुप बना के बैठ जाते हैं। जो शांतिपूर्ण सहयोग करना चाहते हैं वो भी ग्रुप बना के जो बैठते हैं, मोहल्लों में खड़े रहते हैं, उसके कारण पुलिस को काफ़ी काम करने में कठिनाई होती है। तो वो अपने घरों में रहें और पुलिस को अपना काम करने दें, सड़क में ना आएँ। तो निश्चित तौर से जो अपराधी तत्व हैं उनको पुलिस और जल्दी से जल्दी पकड़ेगी और कार्रवाई करेगी। खरगोन से प्रदीप खेड़े की रिपोर्ट।